सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का जागरण हमारा हो चुका है ख़त्म और हम लोग खड़े हैं अभी पहाड़ों के साइड में और आपको दिखा देता हूँ मैं पहाड़। यहाँ से पहाड़ काफ़ी नज़दीक है और सामने गाइस उतराला है, वो वहाँ पे मैं गया हुआ हूँ और उस साइड पे मैं गया हुआ हूँ गाइस। और जाइए है मैं कुतू ओ थोड़ा भाई, आप 50 बार बता चुके हमें ना, अभी आप बताइए प्लीज़ करके चुप रहिए। तो भाई मैंने सुना था तो भाई मुझे माफ कर दो। तो गाइज ये जो पहाड़ हैं, ये पहला वाला और दूसरा वाला और तीसरा वाला चौथा वाला, ये मैं गाइज घूम चुका हूँ अपने भेड़ बकरियों के साथ जब हम लोग जाते थे। यहाँ पे काफ़ी घूमने को है और ऊपर जाके गाइज ये जोत पड़ता है, तो इसे क्रॉस करते हैं। इसकी दूसरी साइड गाइज चंबा, ये वो, मतलब काफ़ी चलना पड़ता है। ये ही नहीं है, इसके पीछे भी कई सारे पहाड़ हैं। तो मैं जा चुका हूँ, मुझे अभी याद आया क्योंकि वो पाइप मुझे दिखाई दे रही है सामने, वो पानी की पाइप बड़ी वाली, पता नहीं इसमें फोकस नहीं डल रहा, वो दिखाई दे रही होगी आपको एक ऐसी लाइन जैसी। तो यहाँ से हो चुका हूँ मैं, मतलब जा चुका हूँ यहाँ से, और यहाँ पे था हमारा जागरण आज। टेंट देखिए आप गाइस, आप कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने टेंट की सुविधा। और मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको, तभी हमारे पार्टी के बंदे सैर करने जा रहे हैं थोड़ी देर टहलने के लिए। और ये हमारे बाबा जी और सामने बैठी गाइस संगत। और वो लगा गाइस दरबार, राधे 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 बोल मना। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं ये घर पहाड़ों में ही है और कितनी मतलब दूर दूर तो घर बसे हुए हैं। जब हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे चले जाते हैं और ऊंचाई से जब देखते हैं तो उस ऊंचाई से जो निचले का इलाका दिखता है उसमें इतने घर देखते हैं, मतलब इतने घर देखते हैं, इतने घर देखते हैं कि आप मतलब मतलब इतनी दुनिया है गाइस। और जब रात को देखते हैं ऊपर से पहाड़ों से तो ऐसे लगता है जैसे जगमगा रही है, जैसे तारे जगमगा रहे हैं, लाइट ही लाइट हर तरफ। तभी सामने से आएगी हमारी जागरण वाली गाड़ी और आप देख सकते हैं सामने से वो बैक साइड ही लेके आ गए। मैंने सोचा था वो फ्रंट साइड से लाएंगे लेकिन वो बैक साइड से ले आए हैं और काफ़ी मेहनत लग रही है। और देखिए इस तरह के कुछ आ रही है गाड़ी। आजिए आजिए आजिए, हाँ जी बात करिए। पत्थर लगा लो बड़ा पत्थर, आइए कितना बड़ा, इतना बड़ा पत्थर लेकिन। सो आ रहे हैं गाइज हमारे पार्टी के मास्टर साहब और ड्राइविंग भी यही करते हैं। देखिए आप में क्या वार्तालाप चल रही है, क्या हो रहा है भाई, आपकी बातें कर रहे हैं। क्या क्या बताया था मैंने, नहीं मैं बातें पीठ पीछे करता हूँ, मुँह पे नहीं करता हूँ। मुँह पे करता कोई बात नहीं, करता यार प्लीज कर दे आता हूँ ना। मैं क्या बोल रहा था, सही लग रहा है यार, और ये वही वादी है जहाँ पर हम थोड़े दिन पहले भी आए थे। और बात ऐसी है कि साहिल भाई ने आज हमारा फिर से दिमाग खा लिया था कि मैं यहाँ पे भी आया हूँ, यहाँ पे भी आया हूँ, वहाँ पे भी आया हूँ, बेटा लेके आया, बेटा लेके आये, इनके शूट कीजिए, बेटा लेके आया बड़े धार में बेटा उतराला में ऊपर बेटा लेके बोल रहा है सियाल। ठीक है गए तुसी दसो आ तो बढ़िया पर तक गाइस तक गाइस हां पहुंच गए हो पाड़ा च ठंडे पर मोर ठंडे पर मोर है देखो ब्रह्मोर की टोपी है आए उतराला में बेड़ा बकरी लेके चंबा जा रहे हैं। चला रहा भाई खराब 20 रुपये पीछा
11 नंबर सच्चे दरबार की जय। गाइस हम ये अभी हम लोग निकल चुके हैं जागरण करके और सामने देखिए इस रोड कुछ इस तरह का है और इस तरह के रोड अभी पक्के हो रहे हैं, अभी कच्चे रोड है, एक ऊपर की तरफ जगह है और सामने का नजारा देखिए आप, बैक साइड देखिए, अच्छे पहाड़ है, अच्छा इलाका ये भी, कल का भी इलाका अच्छा ही था और ये भी अच्छा। और ये लगी हैं बातें आप देखिए, और आप निकल भाई बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और अभी हैं हम पपरोला में और यहाँ पे बनेगा क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहा है गाइस नान और हम नान खाएंगे। शाल इज बिजी विद हेलो दोस्तों, वैसे मैं काफ़ी स्मार्ट लग रहा हूँ आज क्योंकि आज मेरा चेहरा जो है काफ़ी कमजोर चार दे हम गाइस हमारे पीछे बहुत वाली गाड़ी गाड़ी चली हुई है और आगे हमारे आगे हुआ है और इस साइड पर कंट्रोल आए हुए हैं कंट्रोल काली है। तो गाइस मैं निकल घर पहुंच चुका हूं, घर जा रहा हूं अभी और आज हमारा लास्ट जागरण था, आगे भी होंगे लेकिन गाइस कंटिन्यू नहीं होंगे, कंटिन्यू कभी दो हो जाते हैं कभी तीन हो जाते हैं, नेक्स्ट मंथ भी हैं थोड़े जागरण और जितने भी हैं बहुत हैं और मतलब ठीक है जो भी है माता रानी की कृपा से। फिलहाल चलते हैं घर और अभी आराम करना है मुझे, सोते हैं, धूप सेकेंगे थोड़ी देर तो पहले।